हाय गाइस, वेलकम टू मदर्स डे स्पेशल व्लॉग। ये व्लॉग में आपको दिखने वाला है कुछ नई जगह, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ छोटे से वीकेंड ट्रिप पर। ज्यादा दूर नहीं, हरियाणा साइड एक जगह है विच इज कॉल्ड ORC, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। कुछ लोगों ने हो सकता है इसके बारे में सुना हो और बाकी लोगों ने हो सकता नहीं भी सुना हो। कोई बात नहीं, आपको आज मैं वो सारा दिखाऊंगी क्या जगह है, और थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ट्रिप क्योंकि स्पिरिचुअल साइड पे है ये, बट बहुत मजा आएगा आपको देखने में। मैं बस पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, नहा के मैं आ गई थी, तो मैंने पहना, मैं एक बार रेडी हो जाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये बैग सारे बिखरे पड़े हैं अभी, तो मैं अभी बस पैकिंग करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। और हाँ, अभी 11 बज रहे हैं। जिया को मैंने स्कूल भेजा हुआ है बिकॉज आज फ्राइडे, उसका मदर्स डे स्पेशल वीक चल रहा है, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है, तो आज भी मदर्स डे की पार्टी है बेसिकली उसके स्कूल में। तो मैं इसको 12 बजे पिक करूंगी। वैसे हमें जल्दी निकलना था बट मैं चाहती नहीं थी कि वो मिस करे वो चीज़। मैं बस जल्दी से रेडी कर लेती हूँ, सब ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर हम चलेंगे साथ में। मम्मी ने बनाया मेरे लिए मस्त पूरी छोले जो कि मैं खा चुकी हूँ, साथ में पी रही हूँ मैं चाय। और आप तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? तैयार खुद नहीं हुए, किचन में लगी हुई है ना, इसलिए तैयार होने में लेट हुए हैं। जल्दी चलो, 12 बजने वाले, टिया को लेके आना है। तो अब हम निकल गए हैं टिया को लेके। तो ये है मेरा आउटफिट। लेट्स गो। देखो मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, पूरी व्हाइट व्हाइट। वाओ, व्हाइट की वैसे ग्रे से अलग आती है, और कलर कोई है ही। ये बात तो है। और तैयार होके तो आई है। ये रहा टिया का स्कूल। टिया को मिला है स्कूल से इतना सुंदर फ्रेम मदर्स डे पे फॉर मी। अभी उन आंटी का बैग आना है, एक आंटी और है अभी। बैठ गई है, क्या आगे बैठेंगे आज। चलो बाय, लेट्स गो, लेट्स गो, वेयर आर यू गोइंग? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Yeah, what are you doing? आप व्लॉगिंग कर रहे हो? नानी की फोटो खींचो। टायरन की आसपास कौन सो बच। सो ये है ओम शांति रिट्रीट सेंटर। बाय टिया। मम्मा ये टिया बोलो ओम शांति, ओम शांति, आंटी, ओम आंटी। गिर जाएगी, झटका लगेगा ना। बैठा, अच्छी आदत डालते माता जी, बैठाओ इसको, बैठाओ बैठाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो। चल दियो, हम जा रहे, बाय। अब गाड़ी चला रहे हो? बेटा झूले बाद में खा लेंगे, पहले रूम में चलो आओ।
आओ रूम में, देखो सब लोग जा रहे हैं, चलो चले। नानी चलेगी रूम में, देखो सारे कपड़े गंदे कर दिए आपने, अभी हम नहाने करके आएंगे, रेडी होके आएंगे। ओके, जब से हम आए हैं यहाँ पे तब से हम लोग सीधा लंच करने चले गए थे, हम लोगों ने कीज ले ली थी रूम की, अभी तक हमने रूम में चेक इन नहीं करा है और बैग्स भी अभी अपने यहीं रखे हुए थे। तब से इस लड़के ने जो भगा भगा के पागल कर दिया, और अब भूले खाए जा रहे हैं और अभी तक रूम में नहीं गई है, और मम्मी लगेज लेके बेचारी वेट कर रही है वहाँ पर। तो ये है हमारा जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमें रूम मिला है। तो यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। अभी नहाने करके आएंगे, तो मैं थोड़ा अभी इसको उठाती हूँ जबरदस्ती, तब चलते हैं रूम में। 2000 years later. Wow! आ गया, let's go. नानी बोरी आ गई टिया रूम में। This is टिया's room. हाँ गुनाह जला दो, मच्छर काटते हैं आपको बहुत। ये देखो अभी मम्मा एक वीडियो बना रही है, उसके बाद हम जाएं। ये जिद कर रही है कि तैयार हो गई है नहा दोगे कि बाहर चल, मैं अभी आपको उससे पहले रूम दिखा देती हूँ। तो ये टिया रेडी हो चुकी है, दिखाओ अपना सब कुछ, बैंड दिखाओ, शेड्स दिखाओ। वाओ लुकिंग सो प्रिटी, शो मी योर ड्रेस। वाओ गो बैक या स्टे देयर, बस नाउ शो मी योर ड्रेस। वाओ लुकिंग सो क्यूट, फ्लाइंग किस कर दो। हाय हाय हाय, तुम सबको रूम दिखाओ, आपका रूम कैसा है। Yeah, so this is Twarita's room. Where's your bed? Where's your bed? This is Tia's bed. So ये है हमारा cute सा room. ये है मम्मी, ये है मेरी ताई जी। मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई होटल नहीं है, ये एक आश्रम कह सकते हैं इसको आप, जो ब्रह्मा कुमारी के नाम से जाना जाता है, जिसको मेरी मम्मी फॉलो कर रही है। इसके 20-22 साल हो गए। शहनाज गिल जानते ही हो आप सबके सब, तो वो बी के शिवानी जिनके थ्रू वो भी शुरू हुई है, क्योंकि वही ब्रह्मा कुमारी से, तो उन्हीं का एक सेंटर है जो यहाँ पड़ता है गुड़गांव साइड में। ये हमारा रूम है, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी होती है, तो ये पर्टिकुलर हमें अलॉट हुआ है। हमने 3 बेड वाला रूम लिया था बिकॉज ताई जी मैं और मेरी मम्मी आए हैं। ये यहाँ पे क्यूट सी चेयर्स लगी हैं, ये है मिरर, ये है इनका वॉशरूम। मुझे वॉशरूम भी बड़ा प्यारा लगा, मतलब ये आप ऐसे मत समझना कि ये आश्रम वाला है, बट दिस इज लाइक वेरी क्लीन। दिस इज देयर वॉशरूम, मेन क्लीनिनेस का ही मेन कंसर्न होता है। बालकनी दिखा देती हूँ, तो ये हमारा सेकेंड फ्लोर है, सो दिस इज द बालकनी। तो इन्होंने ये नेट्स लगा रखे हैं, इन्होंने बना रखा है कपड़ों के लिए। सो इस रूम में हमारे कूलर है, वैसे इनके एसीज भी होते हैं, इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। बस अभी जा रहे हैं टी वगैरह के लिए ब्रंच पे, और यहाँ पे बाकी जितने ये लोग सर्विस देते हैं लाइक लंच डिनर ब्रंच ब्रेकफास्ट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं अपनी साइड से, दे डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। मैंने बताया कि होटल की तरह नहीं है, मतलब आपको अपनी मर्जी से कुछ डालना है तो आप दे सकते हो एज अ सेवा। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को हम जब भी यहाँ पर आते हैं, आई थिंक मैं दिस इज द थर्ड टाइम आई एम कमिंग हियर। तो बस अभी हम जा रहे हैं चाय वगैरह पीने, लंच मैंने कर लिया था वो मैं दिखा नहीं पाई थी, मैं दोबारा दिखा दूंगी डिनर करेंगे जब हम, इनका डाइनिंग हॉल कैसा है सब कुछ कैसा। आप मम्मा को बंद करके जा रहे हो, हाय। अब मैं भी थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर हम चलते हैं। सेकंड फ्लोर है, 112 दबाओ बटन, ट्राई नॉट येट, ट्राई अगेन, ग्राउंड फ्लोर। फिर पकड़ लिया इसने झूला, नानी जा रही है देखो। यहाँ पर रात को बैठेंगे मम्मी आके, ना अच्छा लगता है ना, इतनी शांति है यहाँ पे। पीकॉक नानी चल झूल लो, चलो बर्ड्स की आवाज सुनो, इतनी शांति, इतनी पीसफुल प्लेस है ये, और बर्ड्स की आवाज, ये नेचर, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं, जैसे ने बताया था चाय पीने, बस हम पहुँच गए हैं। चलो होल्ड माय हैंड, कहाँ लगी रहे बेटा, तो लगी रहे तू तो अभी बेटा, बहुत गर्म है, ठंडा हो रहा है ना अभी, दे रही है गम में रुकूंगी। यहाँ पे ना मेडिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं अलग अलग, यहाँ पे मेडिटेशन रूम के बाहर एक बहुत सुंदर सा बच्चों के लिए सब राइड्स लगी हुई हैं, झूले लगे हुए हैं, ये पार्क बना हुआ बहुत प्यारा सा। टिया यहीं पर एंजॉय कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड दिस इज भव्या, भव्या से हाय। ये हैंडल कर रहा है कब से टिया को, टिया वरना किसी से हैंडल नहीं होती है। टिया डोंट रन, क्योंकि आप सबको पता है वो कितनी शरारती है। आराम से आराम से, देखो यार कैसे वो लड़का कर रहा है,
और सबसे बेस्ट पार्ट इज कि थोड़े से मिनट ही हुए अभी मिले हुए और उसको इसको फ्रेंड भी बना लिया भैया भैया करके, उसका हाथ पकड़ के चल दिया हर जगह स्लोली स्लोली। सबसे बड़े वाली राइड है ये यहाँ से जा रही है देखो। हाँ कम, हेलो कम। डरती नहीं है लड़की बिल्कुल भी, सबको डरा देगी खुद ही डरेगी। हाय बेबी। बहुत अच्छा पार्क बना रखा है सब एज के अकॉर्डिंग। या बच हो गया और आंधी बहुत तेज चल रही है, पौने 8 बज के 8 बजे तक खाना लगेगा तो हम खाना खाते हैं।